सो गाइस, फाइनली हमारे पास आ चुकी है फायरबोल्ट की टॉक प्रो। जैसा कि आप सबको पता है कि अच्छी वॉच है और इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बट हमारा जो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू होता है थोड़ा सा अलग होता है, तो मैंने सोचा कि इसका करना चाहिए। और बहुत सारी वॉचेस के साथ मैं इसका कंपैरिजन भी ज़रूर लेके आऊँगा। और फिलहाल आपको बहुत जल्दी फायरबोल्ट की ऑलमाइटी SE का भी कंपैरिजन, मतलब अनबॉक्सिंग मिल जाएगा, और साथ में फायरबोल्ट टॉक 2 भी मैंने ऑर्डर कर रखी है, तो उसका भी मैं कंपैरिजन इसके साथ करने वाला हूँ। तो देखेंगे, वैसे इसको चेक करते हैं। वैसे फिलहाल तो चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। क्रॉस बीट्स का कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप क्या करो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टेकपोक एज अ कूपन कोड यूज कर लो, आपको फ्लैट 5-10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फायरबोल्ट का कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो फायरबोल्ट 10, मतलब बोल्ट 10 आप यूज कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पे, BOLTT10, आपको 150 rupees का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्यादा ना करते हुए इसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। ये मेरे को पड़ी है 2299, मतलब 2300 रुपये तक की के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। और मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या पता इसका प्राइस बढ़ गया हो, बट अभी फिलहाल जो अमेज़ॉन फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो उस पर आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ, और यहाँ पे ये रही यूज़र मैनुअल। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से विस्तार में दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। और ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ, स्क्रीन प्रोटेक्टर इसमें मिला हुआ है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये यूज्ड है क्या, डोंट नो, यहाँ पे भी चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको ये कुछ पैम्पलेट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे ये आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है। मैं आपको बता दूँ, इंटरनल मेमोरी नहीं मिलती इसमें, TWS पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, बट थोड़ी सी पता नहीं क्यों मेरे को ज़्यादा बड़ी लग रही है वॉच। ऑलमाइटी का लुक दे रही है, मतलब ऑलमाइटी जितनी बड़ी लग रही है ये वॉच, देख सकते हो अच्छी खासी। और स्ट्रैप इसका TPU मिलता है, और डेफिनेटली यहाँ पे ऑलमाइटी जैसा ही स्ट्रैप मिलता है आपको इसमें। यस गाइस, ऑलमाइटी जैसा स्ट्रैप है यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, SPO2HR के सेंसर के साथ, और यहाँ पे चार्जिंग पिन्स मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ ये क्राउन बटन जो है, यस ये वर्किंग है, टक टक की आवाज़ आ रही है। तो आपको पहली ऐसी वॉच मिल रही है 2300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में कॉलिंग फैसिलिटी के साथ, जो कि क्राउन वर्किंग वाला ऑप्शन दे रही है। प्लीज़ पील ऑफ द मास्क। तो गाइस ये देखो, इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, ये कमाल की बात है। मैं मतलब जितनी वॉचेस अभी तक मैंने बाय की हैं किसी में भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको इसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो गाइस अच्छा खासा इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर, मतलब इसके बाद भी ये अलग से, मतलब ये चढ़ाया हुआ देख सकते हो, ये रहा एक हल्का सा है पतली सी, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्री अप्लाइड मिलता है, ये कमाल की बात है, राइट। इसको रखते हैं साइड में, और गाइस ये बहुत ही फील और लुक बहुत ही प्रीमियम आ रहा है, क्योंकि ये मेटेलिक का डायल मिलता है आपको, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर की साइड से, और लाइट वेट भी है उसके बावजूद भी। पॉलीकार्बोनेट बैक है, 22mm स्ट्रैप साइज, आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे वैसे इसका। और दो बटन मिलती हैं, एक यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड के लिए, एक यहाँ पे क्राउन वाला। और गाइज किस रिस्ट के लिए बेटर लगेगी, गाइज मीडियम रिस्ट पे डेफिनेटली बड़ी लग रही है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ लार्ज अगर आपके रिस्ट हैं तो आपको इसको बाय करना चाहिए, थिन टू मीडियम वाले भूल ही जाओ इसको, राइट। स्किनी वेस्ट वाले तो देखें ही ना इस वॉच को, मतलब कोई और वॉच देख लें, इसको स्किप ही कर दो। और इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ, इसका अल्टरनेटिव है आपका फायरबोल्ट की फेनिक्स आप ले सकते हो, फायरबोल्ट की जो रेज कॉलिंग है वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी है। अगर आप अंडर 2000 rupees की आप 2200-2300 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देख रहे हो, रेज कॉलिंग के साथ इसका कंपैरिजन डेफिनेटली वर्थ रहने वाला है। सो फाइनली गाइस इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे टैप करके रखना है आपको इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे ऑन हो जाएगी, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ चुकी है और ये फाइनली ऑन हो चुकी है। यहाँ पे इस तरीके का डिफॉल्ट वॉच फेस आता है, और ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू मिलता है, एक्जैक्टली सिमिलर आपका फेनिक्स की तरह, या आप सोच सकते हो रेंज कॉलिंग की तरह आपको मिल सकता है एक्जैक्टली। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये मेन्यू वाला स्टाइल है, ओके लिस्टेड वाला मेन्यू मिल जाता है ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ये वन सेकेंड ये सेटिंग है, यहाँ पे ये रहा पीक ब्राइटनेस अच्छी खासी मिलती है, और लुक और फील भी अच्छा है। यहाँ पे एक रिंग प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन मिलता है, यहाँ पे माइक का सपोर्ट है, और यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे टैप करते, ओके ये क्राउन वर्किंग है देख सकते हो, इससे आप स्क्रॉल करके वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, ये कमाल की बात है। इसको दबा के स्पोर्ट्स मोड नहीं लगते, कॉल पे आता है डायरेक्टली, और यहाँ पे ये रोटेटिंग मेन्यू इससे भी काम करता है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे एक वाइब्रेशन फीडबैक भी आ रहा है, और साथ में इससे काम कर ही रहा है, तो ये कमाल का फीचर दिया गया इसके अंदर। और टेम्परेचर मॉनिटर दिया गया इसके अंदर, टेम्परेचर मॉनिटर ये कौन सा है, ये
नहीं बीपी मॉनिटर दिया गया, मुझे लगा टेम्परेचर मॉनिटर है। गेम्स भी मिल जाते हैं इस वॉच में, तो हम मेन मेन चीज़ों को ले लेते हैं जैसे कि जो लोगों को पसंद है खासकर, तो इसमें आप गेम्स भी खेल सकते हो। और डिस्प्ले डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी है, थोड़े से बेजल जो है साइड के काले वाले वो थोड़े से और ख़त्म कर देती ना कंपनी, तो और मज़ा आता और थोड़ी सी स्लिम भी हो सकती थी वॉच ये, तो इस तरीके से मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर की साइड से टॉगल मेन्यू है, यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे एआई वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले आपको। अभी मैं पेयर करके दिखाऊंगा, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, कॉल अलर्ट का ऑप्शन मिलता है, स्टॉप वॉच मिल जाता है, अलार्म टाइमर, गेम्स मेन्यू व्यू और ब्राइटनेस लेवल्स, और उसी के साथ साथ वाइब्रेशन और थिएटर मोड मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो गैस यहाँ पे आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता कि मतलब रिंगटोन वाइब्रेट या वाइब्रेट प्लस रिंगटोन, वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता। बट अभी हम चेक करके देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं आपको इसमें बेसिकली, जो हम पेयर करेंगे यहाँ से फ़ोन से। और वॉच फेस तो आपको पता ही कितने मिलते हैं यहाँ पे, 6-7 वॉच फेस मिल जाते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। कलर एक्यूरेसी मेरे को अच्छी लगी इस वॉच की, अच्छी है वैसे क्योंकि यहाँ पे 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, ऑब्वियसली बात है, तो कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस वॉच की। और गाइस यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते तो यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं सारे के सारे। हैंग कर रही है क्या ये वॉच, आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं हैंग तो नहीं कर रही, थोड़ा स्लो चल रही है बस, ठीक है। यहाँ पे होम पे आने के लिए इसको टैप करना है, लेफ्ट साइड में आपको ये मेन्यू मिल जाता है, नीचे की साइड आपको ये नोटिफिकेशन एक्सेस मिल जाता है। अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे मेन्यू चेक करते हैं यहाँ पे इधर की साइड, और यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ों को चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बीपी मॉनिटर, ओटू तो एयर चेक करते हैं, नहीं बता रहा है, अच्छी बात है। अब गाइस ओटू तो सर्विस भी कर लेते हैं, तो मुझे लग रहा है सर्विस ही पे बता देगा। तो जैसा मैंने सोचा था सरफेस पे बता रही है वॉच, राइट। और गैस चेक करते हैं, बैक करते हैं, यहाँ पे SPO2 चेक करते हैं, ओड द एयर सबसे पहले, नहीं बता रही है, ओड द सरफेस चेक करते हैं, तो गाइस सरफेस टेस्ट को बेसिकली फेल कर रही है, और आई डोंट नो यहाँ पे सरफेस पे क्यों बता रही है। और चेक करते हैं यहाँ पे वेदर, वेदर शटर तो आपको पता ही है, प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, बट प्लेयर में आपको सॉन्ग स्टोर करने का ऑप्शन नहीं मिलता, बट कंट्रोल कर सकते हो। ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, सेटिंग का ऑप्शन तो है, गेम्स आपको मैंने बता दिया, स्टेप्स काउंटिंग यहाँ पर मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है, और यहाँ पर ये रहा हार्ट रेट, हार्ट रेट टोटल तो एयर चेक करते हैं, तो नहीं बता रहा है। वैसे ये सेंसर जो हैं वो एयर में काम नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑटो द सरफेस ये फेल कर जा रहे हैं मैक्सिमम। तो कैसे देख सकते हो सरफेस का यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा इसमें है कहीं ना कहीं। और बैक करते हैं यहाँ पे सरफेस के बाद आपका क्या आता है, यहाँ पे एक्सरसाइज और यहाँ पे वापस है बीपी मॉनिटर। तो एक्सरसाइज हम चेक करेंगे यहाँ पे, वॉकिंग रनिंग साइकिलिंग स्किपिंग बास्केटबॉल फुटबॉल, इसमें कितने स्पोर्ट्स मोड है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 60 स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक स्पोर्ट्स मोड को चेक करते हैं, यहाँ पे कहाँ गया वॉकिंग, ठीक है, इसको वॉच को मैं पहन लेता हूँ, और उसके बाद मैं वॉक करूँगा 50 स्टेप्स को, और देखेंगे यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे मिलती है इस वॉच में, ठीक है। मैं आता हूँ करके अभी फ़िलहाल वॉकिंग टाइटली मैं इसको वियर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे स्नग फिट रहे, ठीक है। सो गाइस बेसिकली मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, और यहाँ पे जो स्टेप्स दिखा रहा है 61 दिखा रहा है, और मैंने अभी जो चला है वो 50 स्टेप्स को रन किया, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं, राइट। अब गाइस इसको पेयर करते हैं अपने फ़ोन के साथ, और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे आपको यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं। और तो ये रहा हमारा फ़ोन इटसेल्फ, यहाँ रखते हैं साइड में इसको,
और यहाँ पे आपको सबसे पहले दाफिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दाफिट एप्लीकेशन है आपके पास तो अच्छी बात है, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना ब्लूटूथ और यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज ऑन कर देनी, दो चीज़ें आपको ऑन रखनी है, ठीक है, देन ओनली वर्क करेगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे मैं पुराने वाली वॉच को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरी ऑलरेडी पेयर्ड है, तो यहाँ पे सर्च करते हैं वॉच का। अगर नाम नहीं मिल रहा है आपको तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये देखो वैसे आ चुका है 038 मेरे ख्याल से, बट अगर इसमें फ़ोटो देर में आ रही है क्योंकि नेट चाहिए होता है, तो नेट में ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे आप जा सकते हो सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाके एकदम अबाउट सेक्शन में यहाँ पे नाम दिख जाएगा इसका क्या है, यहाँ पे नाम है BSW, तो गाइस यहाँ पे ये रहा BSW038, तो ये 038 यही वाला है, तो हम इसको पेयर करते हैं। हो रहा है कनेक्ट, वैसे थोड़ा टाइम लेगा, सैमसंग का फ़ोन है मेरा तो इसमें टाइम लेता ही है, आई डोंट नो यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन है इसलिए टाइम ले रहा है। तो कनेक्ट हो चुका है देखो, बट कॉलिंग फीचर यहाँ पे आपको अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है या हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वैसे नोटिफिकेशन आ जाता है बहुत जल्दी, नहीं आता है तो आप एक काम करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाके इसको फ़ोन को ऑफ ऑन कर देना बेसिकली, क्योंकि ऑन ऑफ रहता है स्टार्टिंग में जब आपको मिलती है वॉच। तो यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आ गया, पेयर कर लेंगे। और यहाँ पे आपको चेक करना है ब्लूटूथ में जाके कि ये पेयर हो चुका है, कि ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे। ओके, पेयरिंग रिक्वेस्ट पेयर, और यहाँ पे आ चुकी है ऑडियो एंड कॉल्स के लिए। अब यहाँ पे सेटिंग पे जाना है आपको, देखो ऑडियो भी आपको ऑन कर देनी है इसमें, ठीक है, देन आपका ये वॉच में सारी चीज़ें होंगी। मतलब अब यहाँ पे हम सेटिंग पे चलते हैं वापस से, एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं कॉलिंग फीचर, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे ऑडियो फीचर ऑन हो चुका है, यहाँ पे हम कॉल करते हैं। बहुत कम आवाज आ रही है, बढ़ाते हैं आवाज। रिचार्ज प्लान खत्म हो चुकी है, पर इंटरनेट आउटगोइंग अच्छी खासी लाउड है गाइस, हाथ में गुदगुदी हो रही है बहुत ज्यादा, यहाँ से आवाज निकल रही है साइड में। हिंदी भी फोन सपोर्ट करती है वॉच, ये अच्छी बात है। यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हो फोन पे और वापस अपनी वॉच पे भी ले सकते हो, यहाँ से कट भी कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है इसमें, आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। तो गाइस अच्छा खासा यहाँ पे लाउडनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा लाउड है गाइस इसका स्पीकर, देख सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लाउडनेस चाहिए तो टॉक प्रो से बेटर कोई नहीं हो सकती। फायरबोर्ड की मैंने पहली वॉच देखी जो इतनी ज़्यादा लाउड है, लिटरली फ़ोन के स्पीकर जैसी आवाज़ आ रही है। आपको करना क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आपके वॉच में सारी की सारी वॉइस आ रही है, मतलब रिंगटोन्स जो भी, मतलब आप प्ले भी कर रहे हो, रील्स प्ले कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, ऑडियो प्रोफाइल ऑफ कर दें, दैट्स इट। बट एक चीज़ चेक करनी है, ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करने के बाद क्या कॉलिंग फीचर काम कर रहा है, तो कर रहा है प्रॉपरली, ये अच्छी बात है। अब गाइज यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट अगर मैं चलाता हूँ अभी, तो फिलहाल वॉच में नहीं आएगा, फ़ोन में आएगा। तो आपको वॉइस असिस्टेंट चलाने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, बट वही है कि वॉइस असिस्टेंट के लिए फिर आपको फ़ोन से कनेक्ट कर, मतलब ऑडियो प्रोफाइल ऑन करनी है, फिर सारी की सारी वॉइसेस तो वॉच में ही आएंगी। तो यहाँ से ऑन हो गया, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वॉइस असिस्टेंट हीरा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, It's 32 with haze. अच्छा खासा लाउड है। It will be mostly cloudy. The high of 32. कॉल 198, कॉल 198, कॉलिंग 198। तो काफी ज्यादा लाउड मिलता है गाइस आपको, बहुत ज्यादा लाउड है। वेलकम टू जियो, इस तरीके से आप यहाँ पे वो कर सकते हो। रिचार्ज प्लान खत्म हो चुकी है, पर तुसी इंटरनेट आउटगोइंग कॉल तो गाइस डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते। एंड गाइज लास्टली यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नहीं देखी, एप्लीकेशन में जो है आपकी वॉच फेस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। एडिट पे चलते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है आपको और अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे से आप कोई सी भी लगा सकते हो, राइट। और यहाँ से इस तरीके से, और टाइम अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, टाइम पोजिशन बिलो भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और अबव भी कर सकते हो।
तो गाइज यहाँ पे पिक लग चुकी है, देख सकते हो अच्छी खासी ब्राइट है, और गाइज यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी शार्प मिलती है। और अगर आपको और भी अदर वॉच फेस चाहिए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 7 वॉच फेस इन द वॉच इटसेल्फ मिल जाते हैं। और ये गाइज वॉच फेस जो है ना वो एडिटेबल नहीं है, मतलब जो बाय डिफॉल्ट आपके पड़े वो आप हटा नहीं सकते, ये ध्यान रखना है आपको। वैसे मेरा अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा नहीं, ओके नेट कनेक्टेड ही थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है तो चेक कर लेना गाइज यहाँ पे। वैसे आगे चलते हैं, यहाँ पे और चीज़ देख लेते हैं। नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे आपको ऑन कर देनी है सारी की सारी। शटर बटन है, कॉन्टैक्ट्स में आप 8 कॉन्टैक्ट तक ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अदर्स में चलते हैं, अदर्स में मेन फीचर्स मिलते हैं। फाइंड बैस करते तो वॉच वाइब्रेट होने लगेगी, और उसी के साथ साथ लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, ऑटो लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, 30 सेकंड तक मैक्सिमम कर सकते हो, और क्विक वीक ऑप्शन मतलब रेस्ट टू वेक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे हार्ट रेट वार्निंग का ऑप्शन मिलता है, और वेदर अपडेट्स हैं, वेदर यहाँ पे शो कर देगा, मैंने नेपाल का डाला हुआ है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन तो है ही। तो यहाँ पे वेदर हम देख लेते हैं एक बार, दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है फिलहाल, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे चलते हैं वेदर पे, वेदर ये रहा, वेदर नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है आपको, जैसे कि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद का मैं यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे ले लेगा फरीदाबाद का, और ये आ चुका है देख सकते हो, इंस्टेंटली आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है, प्रॉपरली वर्क कर रही है, राइट। और फीचर्स यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, वैसे भी अपडेट भी नहीं आया इसका। तो अब गाइज एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो आपका ऑक्सीमीटर उसे टेस्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीमीटर, तो यहाँ पे इसको रखते हैं साइड में। गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वैल्यू फॉर मनी की, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, बट ये भी बात है कि अगर आपके थिन रिस्ट हैं बिल्कुल नहीं चलेगी, लार्ज रिस्ट हैं तो चल जाएगी, मीडियम रिस्ट पे भी नहीं चल रही है, मीडियम रिस्ट पे भी थोड़ी सी बड़ी लग रही है देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट, यहाँ पे देखो दिखा भी दिया है, 77 हार्ट रेट है और 96 आपका SpO2 मिलता है, और यहाँ पे देखते हैं कितना हार्ट रेट और कितना SpO2 मिल रहा है आपको, 98 दिखा रहा है यहाँ पे, और SpO2 यहाँ पे 88 है, मतलब 96 है, तो ये क्लोज टू एक्यूरेट दिखा रहा है। हार्ट रेट देख सकते हो यहाँ पे, बैक करते हैं, ये रहा SpO2, यहाँ पे 96 है, और यहाँ पे स्कैन कर रहा है, तो गैस यहाँ पे 99 शो कर रहा है इस तरीके से। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता आपको कि वॉच से ही आप चेक करें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मेडिकल तो आपको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आप ऑक्सीमीटर को बाय कर सकते हैं रेदर देन गोइंग फॉर दिस, मतलब इस वॉच से सारी चीज़ देखने के लिए, ये आप एज अ रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। तो फिलहाल यही था एक सिंपल सा आपके लिए अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। अगर आपका क्वेरीज वॉच रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।